बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है। 11 सीटों के लिए बिहार में विधान परिषद की चुनाव हो रहे हैं और 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतलब ये तय हो गया है कि नाम वापसी की समय सीमा जब खत्म होगी तो विधान परिषद के लिए जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं वो सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। दिलचस्प बात ये रही कि कांग्रेस, जिसके विधानसभा में 19 विधायक हैं, हालांकि दो विधायकों ने पाला बदल लिया, फिर भी 17 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी से कोई भी जो विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं रहा। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेतृत्व के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें तय हो गया था कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको आरजेडी ने अपने समर्थन से राज्यसभा भेजा, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भेजने की शर्त यही थी कि विधान परिषद की एक सीट जो आरजेडी कोटे से ज्यादा होती है वो सीट जो है वो लेफ्ट को दी जाएगी और भाकपा माले के उम्मीदवार शशि यादव जो हैं वो भाकपा माले मतलब लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से कुल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। आज राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी, उन्होंने नामांकन किया। साथ ही साथ बिहार सरकार में वित्त मंत्री रह चुके अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उन्होंने नामांकन किया। विधानसभा के चुनाव भी अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए थे, तो बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको पार्टी ने फैसला किया विधान परिषद भेजने का। इसके अलावा एक और अल्पसंख्यक चेहरा मुस्लिम बिरादरी से आने वाले फैसल अली को आरजेडी ने विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ उर्मिला ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन में लंबे अरसे से काम करने वाली महिला नेत्री, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रही महिला आरजेडी की, उनको पार्टी ने संगठन से तरजीह दी और उनको विधान परिषद भेजने का फैसला किया। ये तो बात हो गई आरजेडी कोटे के उम्मीदवारों की। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया है। बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उसमें पूर्व मंत्री, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनको लेकर लगातार ये चर्चा रही कि शायद वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की विधान परिषद में तो मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया। मंगल पांडे के अलावे लाल मोहन गुप्ता, जो वैश्य समाज से आते हैं और जो माना जा रहा है जिनके बारे में कि बिल्कुल कार्यकर्ता कैडर से लिया गया चेहरा है, और अनामिका सिंह, जो पटना से ही आती हैं और संगठन में सक्रिय हैं, महिला विंग की अध्यक्ष भी नहीं, उनको पार्टी ने भेजने का फैसला किया। कहा यह जा रहा है कि जो विधान परिषद के उम्मीदवारों का चयन हुआ उसमें मंगल पांडे जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार हैं उसमें सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका रही है, खासतौर पर लाल मोहन गुप्ता, जो कि मुंगेर के इलाके से आते हैं, मुंगेर से आते हैं और उसी इलाके से सम्राट चौधरी भी आते हैं। तो ये बहुत एक स्थिति रही बीजेपी की तरफ से। 3 उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन कर दिया था जब नामांकन शुरुआत हुई थी उस वक्त। नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार विधान परिषद से ही चुन करके जाते हैं, उन्होंने नामांकन किया था जेडीयू की तरफ से। साथ ही साथ खालिद अनवर, जो पहले भी एमएलसी रहे थे, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उन्होंने नामांकन किया। और एक जो उम्मीदवार हैं वो हम के जो कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, जीतन राम मांझी के बेटे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंसानी युवा मोर्चा के, संतोष कुमार सुमन, उन्होंने नामांकन किया। जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखा गया है उम्मीदवारों के चयन में। अगर आप बीजेपी के समीकरण को देखिए तो उसमें 2 सवर्ण और 1 जो हैं वो वैश्य समाज को तरजीह दी गई है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पहले बीजेपी के वैश्य समाज से थे, अब नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको एक हिस्सेदारी दी गई है। इसी तरह आप एनडीए में ओवरऑल देखें तो दलित चेहरे के तौर पे जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनको लाया गया है, और जो नीतीश कुमार हैं उनके बारे में लौकुस समीकरण से जोड़ कर उनको देखें तो वहां पर एनडीए की नजर है। साथ ही साथ खालिद अनवर, एनडीए कोटे से 1 अल्पसंख्यक चेहरा जो है वो जेडीयू से है, खालिद अनवर का। आरजेडी के उम्मीदवारों की बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली, 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं। राबड़ी देवी एमवाई समीकरण को और मजबूत करती हैं, और साथ ही साथ शशि यादव भी हैं। शशि यादव लेफ्ट से उम्मीदवार हैं, माले से उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी उसी बिरादरी से आती हैं जिस बिरादरी से राबड़ी देवी हैं, यादव जाति से। तो एमवाई समीकरण 5 में से जो 4 उम्मीदवार हैं वो एमवाई वाले दिखते हैं, और एक उर्मिला ठाकुर जो हैं वो अति पिछड़ा तबके से आती हैं, मतलब जो
कर्पूरी फैक्टर माना जाता है बिहार में, नीतीश कुमार ने जिसके बूते स्विच ऑन किया एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो सभी दलों ने अपनी अपनी कसावट और अपनी अपनी जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया है। अब 11 सीटों पर चुनाव, 11 उम्मीदवार मैदान में, तो ये बिल्कुल तय बात मानिए कि सभी निर्विरोध चुने जाएंगे। नाम वापसी की समय सीमा जब खत्म होगी उसके बाद, अब ये भी माना जा रहा है कि 14 तारीख जब ये समय सीमा खत्म हो जाएगी तो 14 मार्च के बाद कभी भी जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो सकता है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जो कि आज ही शाम दिल्ली से लौटने वाले हैं, दिल्ली लौटने वाले हैं विदेश दौरे से, वो जब पटना पहुंचेंगे तो समय जो है वो तय हो जाएगा राजभवन से, और जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट है लगभग वो भी फाइनल है, और साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से भी ज़्यादातर पुराने चेहरों को एंट्री मिल सकती है कैबिनेट विस्तार में। कुल 27 मंत्री अभी बनाए जा सकते हैं, 9 मंत्रियों की संख्या है मुख्यमंत्री को लेकर के, तो अगर उन 27 उम्मीदवारों, माफ कीजिएगा, 27 जो चेहरे हैं, अगर उनको कैबिनेट में दिया जाता है जगह, तो ये मान लेना चाहिए कि जो कैबिनेट है वो फुल बेंच हो जाती है। अगर उनमें कुछ सीटों को खाली रखा जाता है तो शायद ये लोकसभा चुनाव के नज़रिए से एक स्ट्रैटेजिक जो है वो निर्णय होगा एनडीए की तरफ से। बिहार की सियासत में क्या हलचल हो रही है हम लगातार आपको बताते रहते हैं, खबरों से अपडेट रखते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, आपके जो सलाह होते हैं, आपके जो सुझाव होते हैं, वो हमें आगे खबर बताने में या और दूसरी खबरों को लाने में मदद देते हैं। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, बिहार तक।